राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे ही लोग होते हैं ज्ञानी और मिलती है अपार सफलता। आजकल कामकाज ऐसा हो गया है कि हर किसी को केवल अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए। बेहतर नंबर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, तब भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है। हम आपको बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने ज्ञानी और सफलता प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम सब समझदार और होशियार होना चाहते हैं, लेकिन असल समझदारी क्या होती है, क्या ये कोई बता सकता है? अक्सर हम स्वार्थ या अहंकार को समझदारी का नाम दे देते हैं, लेकिन अहम या हट से किया गया कोई भी कार्य कभी सार्थक नहीं होता। तो आइए देखें कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समझदारी क्या होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका अर्थ यह है कि वह इस बात में नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। जैसे अगर कुम्हार मटका बना रहा हो और उस समय उसका ध्यान इस बात पर चला जाए कि मटका 150 रुपये में बिकेगा या 250 रुपये में, तो क्या वह अच्छे से मटका बना पाएगा? अपने कर्म में वैराग्य होने का अर्थ यही है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ ना करें और जंगल में जाकर सन्यासी जीवन बिताएं। वैराग्य का सीधा अर्थ है कि आपका ध्यान और मन केवल आपके काम पर हो, उसके फल की चिंता करने में नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा पाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ न दिखे, तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। जब हमारा मन किसी काम में लगा हो, तभी हमें उसमें आनंद आता है। जरा सोचिए, जब आपको कोई काम करना पसंद हो तो आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वह काम करते हैं। किसी को टोकना नहीं पड़ता उस काम के लिए, और आपको वह काम करने के परिणाम स्वरूप कुछ और चाहिए भी नहीं होता। कुछ लोगों को खाना बनाने में यह अनुभव होता है, तो कुछ को बागवानी या गार्डनिंग में। कुछ लोग लेख लिखकर इस अवस्था को महसूस करते हैं, तो कुछ व्यापारी व्यापार से ही परम आनंद पा लेते हैं। ये सब काम तो अलग हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ी हुई भावना एक है। यह है कि आप अपने कर्म को करने में इतने खुशी पाते हैं कि उसके फल की आपको चिंता नहीं रहती। कर्म करना अपने आप में फल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आगे समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान का एक पहलू यह भी है कि हमारा हर संकल्प और हर कर्म ज्ञान से उत्पन्न हो, स्वार्थ या अहम से नहीं। संकल्प का अर्थ होता है दुनिया के बारे में हम कैसी सोच रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो सच्चा ज्ञानी होता है, उसके विचारों में शुद्धि, सरलता और सेवा की भावना भरी हुई होती है। तो आप जो करते हैं उससे इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके विचार में शुद्धि, सरलता और दुनिया की सेवा की भावनाओं का मिश्रण है। उसी तरह जब भी आप कोई कर्म करते हैं, तो मन में यह बात अवश्य रखिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा भी ना करें। जब आपका कर्म इस विचार से उठेगा, तो वह अपने आप ही ज्ञान का प्रतीक बन जाएगा। जब भी आप ज्ञान की परिभाषा खोजने में लगेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण की सरल लेकिन गहरी बातों को जरूर याद करेंगे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।